तो गाइस खा पी के एकदम तगड़ा वाला डन, लंच इज कंप्लीटेड। अब सीधा निकलते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो फिर गाइस हम लोग निकल गए आमेर फोर्ट के लिए, और आमेर फोर्ट जो है इट इज़ ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर, और बहुत पहले ये बनाया गया था और काफ़ी सुंदर नज़ारा। और इस गेट से जैसे हम एंट्री लेंगे वो रोड आ जाएगा जहाँ पर आमेर फोर्ट सिचुएटेड है। सो गाइस ये जो आप देख पा रहे हो नज़ारा, ये है आमेर फोर्ट, और उसके बगल से आप देख सकते हो कि नदी को तो बहुत मौसम नज़ारा यार, राजस्थान की बातें अलग है। सो गाइज हियर एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे हम लोग आए जिसका नाम है स्टेप वेल। तो इसको ही बोलते हैं स्टेप वेल बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स है और यहाँ पे वेल है। यस आई बिकम ए गाइड। सो इफ यू वॉन्ट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। पानी थोड़ा हरा है बट इट इज़ वेरी क्लीन, इतना क्लीन है कि इसको ऐसा लेके हम पानी पी भी सकते हैं। सो गाइस स्टेप वेल इज कम्प्लीटेड, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। अभी कहाँ जाएंगे अंकल हम? पैलेस। पैलेस जाएंगे, आमेर फोर्ट का पैलेस किला। अभी किला जाएंगे, किले से फिर वहाँ के ड्रॉप। अच्छा अभी गाइस सीधा हम लोग जा रहे हैं किले की तरफ। ये जोधा का बर्थ प्लेस है, जोधा का बचपन इसके अंदर गुजरा था। अच्छा इसमें रहते हुए जोधा की सांबर शादी हुई थी। अच्छा जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। अच्छा जोधा अकबर की जोधा। वाइल्ड गोट। तो गाइस अभी आमेर फोर्ट के ऊपर पैलेस जो है उसके ऊपर हम लोग चलते हुए, काफ़ी थकान हो रही है। दिस इज़ आमेर फोर्ट का पैलेस। ये जो पैलेस है एक्चुअली बहुत बड़ा फोर्ट है, मतलब एक दिन कम पड़ जाएगा। आप देख सकते हो मेरे सामने उधर पहाड़ पे पूरा गेट दिख रहा है, मतलब वॉल्स दिख रहे हैं। इस तरफ भी है, हम जहाँ से एंट्री लिए वहाँ से भी है। इट्स लाइक ह्यूज पैलेस है। राजस्थान घूमना मतलब एक दिन की बात नहीं है, अगर आप 4-5 दिन लगाओगे तो शायद कोई एक सिटी अच्छे से कवर हो पाए। तो गेस व्हाट गाइस, एक तोप हमें मिल गया। ये पता नहीं असली था कि एक डमी पीस था, इसके अंदर का होल आप देख सकते हो। तो पहले के ज़माने की तोपें ऐसी हुआ करती थी। ये इस गेट का बैकवर्ड साइड, और लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे का व्यू है कमाल का व्यू। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कैमरे को थोड़ा सा लंबा करता हूँ और ये व्यू आप देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत है। सोचो यार ये पैलेस से हर रोज़ राजा महाराजा ऐसे व्यूज़ को देखते होंगे और कितना ज़्यादा उनकी आँखों को अच्छा लगता होगा। तो आप भी देखो और एन्जॉय करो इस बेहतरीन से व्यू को। तो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं गाइस, क्या है पता नहीं है लेकिन कुछ तो है पैलेस के। वो इतने सारे स्टेप्स है और देख सकते हो बहुत ही ऊंचे ऊंचे। फाइनली गाइस इतने सारे सीढ़ियों चढ़ के हम लोग ऊपर आ गए हैं। तो ये है एक्चुअली पैलेस जहाँ पे अभी हम लोग एंटर होने वाले हैं, और ऊपर से आप देख सकते हो कितना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा टॉप से दिखता हुआ इस फोर्ट का। तो चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग इस पैलेस के अंदर चलते हैं। अभी जो आप देख रहे थे ये एक्चुअल में फोर्ट है और फोर्ट के ऊपर ही बनाया हुआ है इसका पैलेस। फाइनली आइसक्रीम डन, टिकट भी डन, और अभी हम सीधा चल रहे हैं पैलेस के अंदर। तो
अभी हमने जस्ट एंट्री लिया है टिकट्स के साथ, जो कि है फोर्ट का पैलेस। और देखो यही बंदर, यही वो बंदर है जिसने हमारा आइसक्रीम खाया। देखो आइसक्रीम खा रहा है, देखो हमारा ही आइसक्रीम खा रहा है, हमारा ही आइसक्रीम खा रहा है, ये हमारा आइसक्रीम लेके भागा था। और गाइस ये रहा वो टॉप स्पॉट जहाँ से ये पूरा जो फोर्ट है वो ऑलमोस्ट दिखाई देता है। दिस इज़ द पैलेस पॉइंट एंड इसके पीछे आप देख सकते हो माउंटेन रेंजेस जिसमें वॉल्स बने हुए, सीढ़ियाँ आपको दिख रही होगी वहाँ पे, जहाँ पे राजा महाराजा अपने महलों में रहते थे, किले में रहते थे। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द माउंटेन जो पीछे की तरफ है, जो हम लोग आपको नीचे की तरफ से नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आ गए और एंड में क्या है वो दिखाते हैं। सामने पहाड़ आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी सभी लोग खड़े हैं, तो लेट्स सी द व्यू हियर कि वो कैसा दिखता है। सो दिस इज द व्यू गाइस। और यहाँ पे आप पैलेस पे देखोगे तो बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स ये लोग ने बना रखा है, कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। और ये जो पैलेस का जो व्यू है ये है एक्चुअल में शीश महल, यानी कि पूरा कारीगरी किया हुआ है। तो आगे आगे देखो आपको क्या क्या पता चलेगा। कारीगरी देखेंगे हम, कारीगरी वही और अभी तक वैसे की वैसे। कौन 900 साल पुराना है। तो यहाँ आप देख सकते हो हर जगह कांच और आईने लगे हुए हैं, तो इससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि इसको क्यों बोला जाता है शीश महल। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे चेम्बर्स बने हुए हैं, मतलब एक दरवाजे टाइप बने हुए हैं, लेकिन ओपन था, तो शायद से यही होता होगा जो भी महल में राजा रहते थे, रानी रहती थी, उनका लाइक स्टे करने का जगह यही होता होगा। चलो पूछ के देखते हैं। ये राजा रानी का बेडरूम है, सोचो उनके रूम से इतने हाई फाई थे, कितने बड़े गॉड, ऊपर से क्या पता इन लोगों को दिखना भी होगा क्या नहीं। जस्ट लुक एट दैट कारागिरी, दीज आर द महल। क्या कहीं पुलिस वाला बैठा है अंदर, हम जा भी नहीं सकते। ये बेडरूम होगा शायद, ये नहीं अंदर वाला होगा शायद, ये उनका क्या बोलते हैं हॉल, तो बेडरूम और नीचे वॉशरूम हमने तो देखे थे। Latrines are designed and used still within our living memory are to be found in different parts of the palace. Those situated between the Sheesh Mahal Mirror Palace. Oh, this is Mirror Palace. And Mansingh Place were palace were probably used by rural family. तो अब आ चुके हम लोग इस पैलेस के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ से जो व्यू दिखता है वो भी काफ़ी कमाल का है, तो आप लोग ये व्यू को एंजॉय करो। तो फाइनली गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, क्योंकि आमेर फोर्ट इतना बड़ा है, अभी तक हम लोग ने 5% भी लिटरली कवर नहीं किया जो भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अभी शाम हो चुका है और ऑलमोस्ट अगर मैं टाइम दिखाऊं आपको बज चुके हैं 6:15 हो गए, और इससे ज़्यादा अगर हम लेट करेंगे तो भाई हमारा जो जीप है वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि पहाड़ से नीचे उतरना है जाने के लिए रिटर्न। ठीक है, तो अभी जाते हैं, तो अभी फटाफट से नीचे उतर रहे वापस जहाँ से हम लोग आए थे। तो जीप वाले अंकल हमारा वेट कर रहे हैं उधर से, फिर वापस से वो रिक्शा वाले भैया के जो हमारे गाइड थे उनके पास जाना, और फिर सीधा जाएंगे हम लोग एक और कोई नेक्स्ट लोकेशन पे। तो गाइस अभी फाइनली आफ्टर द आमेर फोर्ट यहाँ पे एक मंदिर आया है जिसका नाम है प्राचीन मंदिर लक्ष्मी नारायण जी बालाबाई। ठीक है, तो ये वो मंदिर है कहा जाता है, बहुत ही पुराना मान्यता वाला मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं फटाफट से, एंट्री लेते हैं, और ये रहा उसका एंट्रेंस। बस वाइब्स तो अच्छी आ रही है, अब चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो गाइस, मंदिर है मीराबाई और श्री कृष्ण, बहुत ही रेयर ऐसा देखने मिल जाता है ये मंदिर।
तो गाइज फाइनली आवर नेक्स्ट लोकेशन जो कि है जल महल या फिर जल महल पैलेस बोल लो। तो दिस इज़ द पॉइंट, पीछे की तरफ आप देख सकते हो और ये एक मरीन ड्राइव वाला थोड़ा वाइब दे रहा है मुंबई का, लेकिन है नहीं। और ये सामने अंदर की तरफ आपको दिख रहा है पानी के अंदर ये वाला पार्ट, ये है जहल महल। थोड़ा सा अंदर जाएंगे फिर आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ये जो आप देख पा रहे हो सामने, इससे सामने का पॉइंट जो है इसको बोलते हैं हम लोग जहल महल। और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है इसी को बोला जाता है जहल महल। और ये जो अंदर जल महल है उसके जस्ट सामने आप देखोगे तो देर आर सो मेनी मटेरियल्स जो आप अपने घर पे भी लेके जा सकते हो। इतने सारे मार्केट्स जो है वो लगे हुए, तो हम लोग ने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ले लिए। इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोग ने ले ली। साबुन रखने वाला ये लगता रहा। तो गाइस आज का कोठा यहाँ पे होता है पूरा। बहुत ज़्यादा घूम फिर लिया, आप सीधा चलते हैं घर के लिए यानी हमारे होटल के लिए। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हमारे घर यानी जो होटल है हमारा, वापस से इधर फ्रेश होते हैं एंड बाकी कुछ नाश्ता पानी करते हैं, लंच डिनर जो भी है करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। ठीक है।